वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में जो कि रेडमी नोट 5 प्रो में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 5 प्रो जो कि वाइड डिवाइस कोड आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे एवोल्यूशन एक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि वर्षन आता है 5.4 जो कि यहाँ पे एक ऑफिशियल और यहाँ पे लेटेस्ट वर्षन है जो कि रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। तो यहाँ पे आपको 5 फरवरी का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, उसके बाद जो एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। तो इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 1,47,000 जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI 12 MIUI 11 आपको जो है सेम स्कोर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एवोल्यूशन एक्स में जो है यहाँ पे आपको एक MI कैमरा मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे AI के साथ यूज कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट वीडियोज यहाँ पे आप वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि 1080 पिक्सल, उसके बाद 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड में आप बेशक यहाँ पे वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियोस आप बेशक 4K में ले सकते हो, उसके बाद जो है फोटो AI में ले सकते हो, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो, स्क्वायर पैनोरामा और मैनुअल मोड का आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नाइट मोड हो चुका है, उसके बाद पोर्ट्रेट और यहाँ पे कैमरा जो है यहाँ पे आप बेशक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड में यहाँ पे आप बेशक वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आई थिंक वर्क होगा कि हाँ वर्क हो रहा है, तो वीडियो तो एक्चुअल में यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। 1080 पिक्सल यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, 1080 पिक्सल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद 4K ऑटो में यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ तो 4K रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे मोर में पैनोरामा फोटोज के स्लो मोशन है यहाँ पे टाइम लैप्स मिल जाता है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सभी गूगल्स के एप्लीकेशन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन मिसिंग लगता है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 12 4G बेशक वर्किंग है, यहाँ पे वाईफाई वर्किंग है, यहाँ पे मैं आपको सभी बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स और यहाँ पे सभी, तो यहाँ पे डेटा तो वर्किंग है, उसके बाद वोल्टी यहाँ पे वर्क होता है, उसके बाद जो यहाँ पे वाईफाई वर्किंग है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो कि यहाँ पे हॉटस्पॉट्स है, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट्स और वाईफाई दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है ब्लूटूथ भी यहाँ पे वर्किंग है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी आपको यहाँ पे वर्किंग कंडीशन मिल जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मिलता है जो कि कस्टमाइजेशन जो कि 12 4G बेशक यहाँ पे वर्क होता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि कस्टमाइजेशन जो कि यहाँ पे अबाउट एवोल्यूशन एक्स, यहाँ पे आपको डेवलपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद थीम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि डार्क थीम को आप अनेबल कर सकते हो, आपको अगर आप यहाँ पे नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो डिवाइस तो आप डार्क थीम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप इंसेंट कलर, उसके बाद इंसेंट कलर पिकर, उसके बाद आपको यहाँ पे हेडलाइन बॉडी जो कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसके बाद जो अकाउंट शेप चेंज कर सकते हो, स्टेटस बार का अगर आप अकाउंट स्टाइल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, उसके बाद जो वॉल्यूम पैनल स्टाइल, उसके बाद यहाँ पे कस्टम हेडर और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्टेटस बार क्लॉक आप कस्टम कर सकते हो, उसके बाद जो आपको यहाँ पे स्टेटस बार बैटरी इंडिकेटर आप उसको भी चेंज कर सकते हो जो कि अगर आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को अनेबल करना है तो अनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे आइकॉन को चेंज करना चाहते हो जैसे कि सर्कल डॉटेड सर्कल फिल सर्कल टेक्स्ट और उसके बाद हाइट भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे सर्कल रखना है तो आप सर्कल भी रख सकते हो। उसके बाद जो है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल करना चाहते हो तो अनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है आइकॉन मैनेजर जो कि अगर आप कोई आइकॉन को हटाना चाहते हो स्टेटस बार से तो आप यहाँ पे हटा सकते हो, 4G को LTE कर सकते हो, यहाँ पे ओल्ड स्टाइल मोबाइल नेटवर्क डेटा भी आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है जो कि नोटिफिकेशंस, यहाँ पे नोटिफिकेशंस का आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो कि वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, उसके बाद जो है वाइब्रेट ऑन डिसकनेक्ट जो कि अगर आप यहाँ पे कॉल पे हो आपके वेटिंग में, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी एक कॉल पे हो आपका और एक कॉल आता है तो यहाँ पे वेटिंग के टाइम पे वाइब्रेट होगा। उसके बाद जो है अगर आपका कॉल आप कर रहे हो कॉल आंसर होने के बाद यहाँ पे वाइब्रेट होगा, उसके बाद जो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे वाइब्रेट होगा। क्विक सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है जो कि यहाँ पे जो कि आपको नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आइकॉन्स के लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पावर मेनू का कस्टमाइजेशन मिल जाता है जो कि AOSP जो कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाता है उसका, जो कि डिवाइस कंट्रोल्स आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है जो कि एडवांस रिपोर्ट का आप ऑप्शन अनेबल कर सकते हो, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टॉगल आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो जो कि पावर की में, और उसके बाद जो है हाइड ऑन लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है। जेक्सेस में जो है आपको यहाँ पे कैमरा अगर क्विकली ओपन करना है तो आप डबल प्रेस जो कि पावर की से आप कैमरा को ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो है सिस्टम नेविगेशन, अगर आप यहाँ पे नेविगेशन बार यूज़ करना चाहते हो तो नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप जेक्सेस यूज़ करना है तो जेक्सेस भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हो जो कि थ्री फिंगर्स आप स्वाइप करने के बाद। उसके बाद जो है पावर मेनू, इसके अंदर आपको यहाँ पे एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन आप अनेबल कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। उसके बाद जो है स्क्रीन ऑफ जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टैप करो स्क्रीन ऑफ है ऑन, आप यहाँ पे जो कि यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन ऑफ होगा देख सकते हो। उसके बाद आप डबल टैप करो तो यहाँ पे आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे स्किप म्यूजिक ट्रैक, उसके बाद यहाँ पे आपको अडेप्टिव प्लेबैक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन ऑफ पावर बटन टू टॉर्च ऑन कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो जो कि स्टेटस बार से। उसके बाद जो है स्विच स्क्रीन ऑफ, और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टैप टू वेक जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन बार, जो कि अगर आप यहाँ पे नेविगेशन बार को डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि नेविगेशन के बाद जो है आपको यहाँ पे हार्डवेयर बटन्स, और यहाँ पे आप क्लिक करने से जो है स्क्रीन शॉट दे सकते हो जो कि पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन बटन। वॉल्यूम रॉकर से आप यहाँ पे डिवाइस को वेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। एनिमेशन देख सकते हो, आप डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिसलेनियस में गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है जो कि अगर आप यहाँ पे गेमर हो तो बेशक इसको आप ऑन करके यहाँ पे आप जो है बूस्ट कर सकते हो अपने डिवाइस को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ जो कि कस्टमाइजेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मैं बैटरी बैकअप की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप्स नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट आपको चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि बैटरी, तो यहाँ पे बैटरी 83% है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट फुल चार्ज जो कि 35 आवर्स ईगो। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फुल डिटेल यहाँ पे बैटरी का ले लेता हूँ। तो बैटरी का फुल डिटेल तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो यहाँ पे 35 आवर्स पहले यहाँ पे मैंने चार्ज किया था फुली। उसके बाद यहाँ पे मैं चार्ज नहीं किया हूँ जो कि यहाँ पे मैं डिवाइस को स्टैंड बाई यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 17% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है जो कि 35 आवर्स में। तो यहाँ पे आप कंपेरिजन वाइज बैटरी बैकअप देख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन यूसेज जो कि यहाँ पे 17 मिनट्स यहाँ पे स्क्रीन यूसेज है जो कि यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम 17 मिनट्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन वाइज MIUI। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले में ब्राइटनेस लेवल, उसके बाद जो है डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलता है जो कि नाइट लाइट, जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों के यहाँ पे आप बचा सकते हो जो कि ब्लू लाइट से। और उसके बाद लाइव डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है जो कि अगर आप यहाँ पे कलरफुल डिस्प्ले नहीं आपको होना तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर एडजस्टमेंट का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है कलर कैलिब्रेशन आप देख सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे अडेप्टिव ब्राइटनेस जो कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है जो कि स्टाइल एंड वॉलपेपर, अगर आप यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करना है तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, क्लॉक चेंज करना है तो क्लॉक चेंज कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट 30 मिनट्स तक का मिल जाता है। उसके बाद जो है रोटेशन, यहाँ पे आप ऑटो रोटेशन का भी अनेबल कर सकते हो जो कि उसके बाद आपके डिस्प्ले यहाँ पे ऑटो रोटेट करेगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट विड्थ, यहाँ पे स्क्रीन सेव, उसके बाद जो यहाँ पे लॉक स्क्रीन जो कि ऑलवेज टाइम एंड डेट आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि टैप टू वेक, उसके बाद जो है पॉकेट डिटेक्शन जो कि यहाँ पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे साउंड का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे बेशक जो है लाउडली रिंगटोन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, और आपको यहाँ पे फेस अनलॉक आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट टेस्ट करके बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिंगरप्रिंट बता देता हूँ, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वर्किंग है। उसके बाद आपको यहाँ पे एपिनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद गूगल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको सभी सेम है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि अपडेट आप चेक कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे इनबिल्ट अपडेट चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे शाओमी पार्ट्स का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है जो कि हेडफोन गेन, उसके बाद माइक्रोफोन गेन, उसके बाद जो है MI साउंड इनहेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि
आपके पास कोई एमआई का हेडफोन है तो आप बेशक इसको चूज़ करके उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इक्वलाइजर चूज़ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप FPS इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर आप यहाँ पे आपके फ्रेम रेट्स कितने आते हैं तो आप वो इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप उसको भी एनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले कैलिब्रेशंस मिल जाता है, जो कि अगर आप यहाँ पे कलर बूस्ट करना चाहते हो तो कलर बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि हैंड वेव पिकअप, यहाँ पे पॉकेट मोड, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी वेक, उसके बाद हैप्टिक फीडबैक, और यहाँ पे आप ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद AC लिनक्स मोड, जो कि परमिसिव इन्फोर्सिंग, आप यहाँ पे अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद जो अनेबल टर्बो बूस्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बूस्ट CPU व्हेन टच, जो कि यहाँ पे डिटेक्टेड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। टच बूस्ट का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में यहाँ पे रोम कैसा है, जो कि एवोल्यूशन X। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग बता दूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको SD के साथ हाई का सपोर्ट मिल जाता है, स्मूथ के साथ आपको यहाँ पे हाई का ही सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे 30 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि आप देख सकते हो 30 के ऊपर यहाँ पे नहीं जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इस रोम का परफॉर्मेंस, जो कि आपको यहाँ पे कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बेशक आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो, जो कि हाई का आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको ये रोम इंस्टॉल करना है तो रोम कैसे इंस्टॉल करें, यहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे रोम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि Redmi Note 5 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।